पगली, ए पगली, इधर आ, तई काहे रोवत पाटी, हर तई काहे रोवत पाटी, तई काहे रोवत पाटी, ये देख, ये देख, यहाँ मेरे बाबू शालिक राम भगत हैं। ये देख, ये हमार हर जाई बाई, ये नगीन वाया। ये हमार भैया सुरेंद्र। ये हमार भाऊजी मंजू। ए पकली तो का पूजा सुनाई। पूजा जम्बू दीपे घर द्वार लीपे रार रेवा खंडे पंचमो अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हिया चढ़ा सवा 5 रुपया का गौदान कर प्रसाद ले बे भैया। ए रंजीत अपने चाचा को छोड़ कर कहाँ चला
कौन सुखा सुनते परमात्मा क्या मार भैया रंजीत अरे दुनिया छोड़ के ये दुनिया छोड़ के भगवान को प्यारा हो कोरा छोड़ के चला गए नो कहाँ पाए अपने भैया रंजीत का कि अपने सीना से लगा अरे हमार लाल हमार गोद सोनी कह के दुनिया छोड़ दे अब हमार भैया तो सिया हमसे न मिल पायो पर आज का देखत ही राजेश किसे काम अपने भैया रंजीत से बड़ी के मानत रे हमार लक्ष्मण जैसे देवर अरे नौ पागल होई के दर बदर गठो कर रंजीत मुन्ना तो इस दुनिया में नहीं है भाभी माँ आप तो देख रही हो भाभी माँ सतीश भैया पागल हो गए भाभी माँ बचपन से लेकर आज तक माँ भवानी का पूजा की दुख के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिला भाभी माँ मगर आज इस दुर्गे माँ के मंदिर पे दुर्गे माँ से प्रार्थना करो हमारे सतीश भैया का पागलपन ठीक हो जाए भाभी माँ अरे दुर्गा माँ अरे मावा के तनी बड़ी हमसे भूल हो गई कौन ऐसन गलती हमसे हो गई जवानी सब दिन देख के हम का मिलत बा मावा अरे हमार भैया तो हमार कोरा सुन कई देन मातारी अब हमार भैया हमसे मिले हैं पर हमार लक्ष्मण जैसे देव पागल होई के दर बदर कठो कर खासन माता हमार पुकार सुना माई तो से हमार दिलत बाटी हमरे भाईये के पागल संखी Yeah.
हे भगवान, हे भगवान, मेरे शरीर पर फटे पुराने कपड़े कहाँ से आए भगवान? ये मुझे क्या हो गया है मालिक, और मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भगवान। राजेश, तू मेरा भैया राजेश है ना, तू कहाँ चला रहता अपने सतीश को छोड़कर, कहाँ चला गया? भैया आखिर मैं कहाँ जा ही सकता हूँ भैया, तुम्हें बहुत ढूंढा भैया, आवाज ढूंढते ढूंढते पाया भी तो इस माँ भवानी के मंदिर पे भैया, आवाज पाया भी तो एक पागल के रूम में भैया। राजेश, आज तू मुझे इस माँ भवानी के मंदिर तक लाया, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी तक नहीं भूलूंगा भैया। भैया इस माँ भवानी के मंदिर तक ले आने वाला मैं नहीं भैया, आपकी भाभी माँ है भैया। क्या कह रहा है? मेरी भाभी माँ? आखिर आखिर कहाँ है मेरी भाभी? राजेश, मुझे मेरी भाभी माँ के दर्शन करा दो भैया, दर्शन करा दो। भाभी मैं आपका देवर सतीश कुमार। आज आप मुझे काफी दिनों के बाद मिली हैं भाभी माँ, आज मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। आपके मर जाने के बाद, आपके आपके घर छोड़ जाने के बाद, आपका बेटा रंजीत मेरे साथ रहता था। एक दिन उसे भूख लगी थी भैया, परदेश चले गए, घर में खाना नहीं मिला था, खाना लाने के लिए मैं शहर चला गया था। जब शहर से खाना लेकर आया, देखता हूं कि आपके बेटे रंजीत को काट करके मार गया। भाभी माँ, अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है भाभी माँ, आज मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, अपने घर लौट चलो भाभी माँ, अन्यथा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा भाभी माँ। अरे मुन्ना सतीश, आज ये तू सब क्या करा है भैया? अरे उस घर में हमें जाने के लिए कह रहा है? नहीं मुन्ना, तू ये सोच कि अब उस घर में मेरे लिए क्या रखा है, मेरे लिए क्या रह गया है भैया, क्या रह गया है? मैं तो अपना सब कुछ खो बैठी, कहीं कि नहीं रह गई, लूट गई, बर्बाद हो गई भैया। ए मुन्ना जा तू वापस चला जा भैया,
मैं उस घर में अब दोबारा नहीं जाऊंगी। जा तू वापस चला जा भैया, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पांव पर जाते हो भैया, जा जा तू। भाभी माँ, आप कह रही हैं कि मेरा उस घर में क्या रह गया है? अरे भाभी माँ, आज आपने अपना घर छोड़ करके अपने औलाद को खो दिया। आज यदि घर चलने में थोड़ी सी देर कर दोगी तो आज आपको अपना सुहाग भी खोना पड़ेगा। क्या कर रहे हो तुम? क्योंकि जिस दिन भैया परदेश से घर आएंगे और नगीनवा हरामजादी भैया को अकेले पाक करके जिस तरीके से आपके बेटे को मार डाली, उसी तरीके मेरे भैया को भी मार डालेगी भाभी। नकी मुन्ना, ये बात है तो चलो, मैं इस वक्त चलने के लिए तैयार हूँ। अचानक आ गया। आने से पहले कोई खबर नहीं, कोई संदेश नहीं, क्या कोई बात होगी क्या बेटा? इतना घबराया क्यों है मुन्ना? माँ बोल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोल बेटा, क्या बात है बोल। कहाँ मेरा बेटा ये मैया, गया वहां दिल नहीं लगा, पर दिन घबराहट सी होती थी, चिंता लगी रहती थी, मेरा भाई कैसा, मेरा बेटा कैसा है, इसलिए बिना बताए मैं यहां चला आया हूं। मां, तुम दिखाई दे रही हो, ना तो मेरा बेटा दिखाई दे रहा है, ना तो मेरा भाई सतीश दिखाई दे रहा है, ये दोनों कहां हैं? मां तुझसे मिलाओ, मां मैं मिलना चाहता हूं। बेटा सुरेंद्र, मां जिस दिन तू अपनी औरत मंजू घर से निकाल दिया, तो क्या हुआ मां? मंजू के घर छोड़ जाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद बेटा सतीश कुमार अपनी भाभी मंजू की याद में पागल हो गया। बेटा ना मां, बोलते झूठे, मेरा भाई पागल हो गया मां। और रही बात नाती रंजीत की, घबराने की बात नहीं बेटा, नाती रंजीत खाना खा के गांव में बच्चों के साथ खेलने गया है, इसमें घबराने की बात नहीं, तुम चल के अपने कमरे में आराम करो, मैं जा रही हूँ तुम्हारे भाई को और तुम्हारे बेटे रंजीत को बहुत जल्द खोज के लाऊंगी, जाओ आराम करो, जाओ अपने कमरे में आराम करो। तुम क्या कह रही हो, मैं चल कर आराम करूं? अभी बता रही हूँ मेरा भाई पागल हो गया। जानती है भाई भाई होता है, भाई जब इस दुनिया से चला जाता है तो कोई भाई नहीं मिलता है, और मेरा भाई पागल हो गया, मैं चल कर आराम से सो।
ये कभी नहीं हो सकता, मेरा भाई दर बदर की ठोकर खाता होगा। तुम आराम करने कह रही है माँ, और कह रही मेरा बेटा गांव में घूमने गया है। माँ कहीं तू मुझे चकमा तो नहीं पढ़ा रही है, पहले तो नहीं बुझा रही है। माँ एक घंटे के अंदर मेरा भाई मेरा बेटा मेरे नजर के सामने दिखाई नहीं पड़े तो मैं आज के बाद ये भूल जाऊंगा कि तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूँ। बहुत बुरा। का कुमाई वाले आप नगी नारानी कहाँ जाए दहजन गुनाती हरे, आप कहाँ जाए हो? बहुत घबराए नजर आ रही हो। घबराए वाली बात है यार। हुआ क्या? सुरेंद्रो बंबई से आई घरे। आ नहीं हाँ। तू जाम फंस गया रे। फंसी जवाब की। कहाँ है वो? उसे मैं चकमा दियो कमरे में आराम करने गया है। पहुँचते अपने पागल भाई सतीश, हमारा मुन्ना रंजीत को खोज रहा है। मैं कहाँ से लाके दूँ? घबराओ नहीं। जाम फंस गया। जब तक दुनिया में जीवित रहूंगा कोई परिंदा पर नहीं मार पाएगा। हराम जो दोस्त थका हुआ आया है गहरी नींद में सो जाएगा। गले से उठाओ, सर से सर चलो, हम सालेखा घाट धन उड़ा देंगे। न रहेगा बांस हलो बजे की बांसुरी। आओ मेरे साथ। घर पे कोई नहीं है, मुझे घबराहट सी हो रही है। अगर मैं यहाँ से भाग नहीं जाता हूँ तो मेरी माँ मुझे भी खत्म कर देगी, इसलिए मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। रुक जा, अब नीचे सूरदार तू ये कत्ल पाओगे बढ़ाना नहीं। कहाँ भाग कर जाएगा ससुराल? मैं और शिकारी हूँ, मैं और शिकारी हूँ कि पंछे खोड़ने से पहले पर को काट देता हूँ। नबीनो पहले ओबर हारी करो साले की। क्या देख रहा हूँ माँ? कान किसके मारे? तू मेरी माँ, तू हराम खोर। मैं तो तुम्हें अपनी सगी माँ मानता था माँ, ये क्या तू रूप देखने को मिल रहा है माँ? क्या कह रहा सगी माँ माना करे? हराम खोर, जब मैं सतोली हूँ तो मुझे सतोली मानना चाहिए सगी माँ। साले सुबह सुबह के वक्त
हम साले तुम्हारा हनुमान चालीसा सुनने के लिए खड़े हैं। हाँ बेटा छोड़ देता हूँ, दुनिया में जीवित रहेगा एक नाग दोन तो साले हमारे आस्तीन का सांप हमरा घातक बन सकता है बे, इसलिए तेरे दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। आज साले हम तुझको सदाए मौत के नींद में सुला देंगे। साले मरने के